खबर सामने आ रही है, होटल मैरियट और होटल दलित में बम की सूचना सामने आई है। बम की सूचना निकली है झूठी। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी लेकिन ये सूचना झूठी साबित हुई है। संवाददाता सुनील यादव मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। सुनील, बम से उड़ाने की सूचना मिली थी, जानकारी दीजिए, क्या ये अफवाह थी? बिल्कुल रिचा, ये सिर्फ जो बम की सूचना मिली थी, बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, ये महज एक अफवाह निकली। क्योंकि जैसे ही सूचना मिली पुलिस कंट्रोल रूम में, क्योंकि होटल प्रबंधन को मेल पर होटल मैरियट और होटल ललित को बम से उड़ाने की जो धमकी है वो मिली थी, होटल प्रशासन ने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी और उसके बाद में एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने टीम को भेजा यहाँ पर। तब जो होटल का चप्पा चप्पा है वो छान मारा था और उसके बाद में पता चला कि महज ये पुलिस की एक परेड मात्र हुई। छानबीन में किसी तरह की जो बम की धमकी मिली थी इस तरह का कुछ भी नहीं मिला। बम निरोधक दस्ता भी यहाँ पर मौजूद था, डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर पहुंचा था, पुलिस की तमाम टीम भी यहाँ पर पहुंची थी लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ये पहला मौका नहीं है रिचा, लगातार जो दहशतगर्दे हैं वो इस तरह से राजस्थान समेत राजधानी जयपुर में इस तरह का दहशत का माहौल है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में देखा कि आज की घटना की अगर बात करें तो दोपहर में एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, उसके बाद में एयरपोर्ट पर जो पुलिस प्रशासन है, CISF है, CISF की टीम है, वो छानबीन की, वहां भी कुछ नहीं मिला। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक जो आने जाने वाला है, जो गेट है होटल मैरियट का, यहाँ पर फिलहाल एक एहतियात के तौर पर हर एक वाहन की तलाशी ली जा रही है। जांच पड़ताल के बाद में जो वाहन है उसको एंट्री और एग्जिट करने दिया जा रहा है। साथ ही साथ अभी भी, हालांकि जांच पूरी हो चुकी है, किसी तरह का कोई बम मिलने की जो सूचना थी वो झूठी है, फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस यहाँ पर मौजूद है। जो पूरी धमकी भरी जो मेल मिला है इस पर नजर बनाए हुए, साथ ही साथ इस कोशिश में भी और इस जांच में भी जुटी है कि आखिर ये धमकियां दे कौन रहा है, इस धमकी के पीछे क्या साजिश है, वजह क्या है, आखिर जो दहशतगर्द इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं अभी जिन होटल्स का, ललित और मैरियट जयपुर के टॉप होटल्स हैं, टॉप होटल्स में 5-स्टार होटल, 5 सितारा होटल ये हैं, अगर इनके ऑफिशियल मेल पर इस तरह की धमकी मिलती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये शाम की बात है, आज के दिन में दोपहर में एयरपोर्ट पर भी ठीक इसी तरह की धमकी मिली थी, तो उसके बाद में एयरपोर्ट जो परिसर में हड़कंप मच गया था कि आखिर जो बम की धमकी मिली है तो क्यों मिली, कैसे मिली, क्या बम तो नहीं है यहाँ पर। CISF की टीम ने जांच की, डॉग स्क्वाड वहां पर पहुंचा, बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंचा लेकिन वो भी महज एक परेड निकली, जांच में कुछ नहीं मिला। और ये सिर्फ आज की घटना नहीं है, कल भी इसी तरह का धमकी भरा मेल आया था। तब ये था कि श्री गंगानगर में वो धमकी भरा मेल मिला था, श्री गंगानगर समेत राजस्थान के 6 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की जो धमकी है वो दी गई थी। और इससे पहले भी शिक्षण संस्थान है उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, शिक्षण संस्थाओं के नाम से, चाहे स्कूल कॉलेज की भी पिछले दिनों देखा था कि बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, तब भी पुलिस प्रशासन ने कई दिनों से इस तरह की धमकी के मेल सामने भी आ रहे हैं, कहीं पर पत्र भी देखा जा रहा है। ये धमकी दे कौन रहा है, अभी तक पुलिस की जो कार्रवाई है या टीम की जो कार्रवाई है, एजेंसी अभी तक लगी हुई है, कहाँ तक जांच पड़ताल पहुंची है और कौन है इस तरह की जो अफवाह फैला रहा है, झूठी धमकियां दे रहा है? बिल्कुल रिचा, पुलिस इसी की जांच में जुटी हुई है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट प्रशासन पर जो सुरक्षा एजेंसी है CISF, वो भी इसी जो जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये दहशत फैलाने के पीछे मकसद क्या है, दहशत क्यों फैलाई जा रही है। क्योंकि ये अभी तक का पूरा पिछले 6 महीने का घटनाक्रम देखें तो अलग अलग जगहों पर, चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बड़े होटल्स हो, शिक्षण संस्थान हो, या फिर अन्य तरीकों से, चाहे मेल करते हो या फिर पत्र भेजने की, पत्र के माध्यम से धमकी भरे मेल आते, बम से उड़ाने की धमकियां दी जाती है और हर बार जब जांच पड़ताल की गई तो ये महज जो है ये एक अफवाह ही निकली। तो इससे कहा जा सकता है कि जरूर कोई साजिश है, दहशत फैलाने की यहां पर कोशिश की जा रही है, कोई दहशतगर्द है, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है लेकिन जो कठोर निष्कर्ष है उस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है पुलिस। क्योंकि इसकी वजह यही हो सकती है कि उसकी जो मुख्य है, जो तार है वो नहीं जुड़ पा रहे, कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ पा रही है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। आज भी इसी तरह का हुआ, हालांकि फिलहाल पूरे मामले में जरूर फैलाई जा रही है। सुनील,
अच्छा एक अपडेट दीजिए कि धमकी के बाद पूरी जांच पड़ताल की गई, हालांकि धमकी की सूचना झूठी निकली, तो क्या होटल मैरियट और ललित को अभी खाली करवा दिया गया है या उसमें मेहमान अभी भी मौजूद हैं होटल के अंदर? बिल्कुल रिचा, बम की आप जो धमकी थी वो महज अफवाह थी, और अभी क्योंकि तस्वीरों में आपने देखा, मैं फिर कैमरा सहयोगी विजय से बोलूंगा, एक बार दिखाइए ये तमाम जो गेस्ट हैं, ये मेरिट का एंट्री गेट है, तमाम गेस्ट बिना किसी डर के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि होटल मेरिट प्रशासन भी तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था जाँच व्यवस्था में जुटा हुआ है, और साथ ही साथ पुलिस भी यहाँ पर अंदर मौजूद है, और वापस जो एंट्री एग्जिट जो हो रही है, हर एक वाहन की, हर एक व्यक्ति की यहाँ पर जाँच पड़ताल की जा रही है। होटल को किसी तरह से खाली नहीं करवाया गया है, हालांकि जब जाँच हुई तब खाली करवाया गया था, लेकिन अभी होटल ये चल रहा है, हर एक जो आने जाने वाले पर बस नजर बनी हुई है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति ना आ पाए, किसी तरह की जो धमकी है वो धमकी के जो अकॉर्डिंग, क्योंकि बड़ा मामला है ये, तो जांच पड़ताल बेहद जरूरी है, तो एहतियात के तौर पे जांच पड़ताल की जा रही है, होटल चालू है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, और जो जिस तरह से आपने अतिथियों की बात की, तो लगातार जो लोगों का जो आना जाना का सिलसिला है वो यहाँ पर लगा हुआ है, अफवाह है, लेकिन इसी तरह की जो धमकी पुलिस बल भी वहां पर तैनात किया गया है। शुक्रिया आपका सुनील, अधिक जानकारी देने के लिए।